दोस्तों, मैं हूं राजवंत सिंह मौली, रियल एस्टेट मेंटर, रियल एस्टेट बुक्स का ऑथर एंड मोटिवेशन स्पीकर। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूट्यूब चैनल को देखते हुए किसी सज्जन ने यूट्यूब वीडियो के ऊपर एक कमेंट किया था कि आप स्टॉक मार्केट के बारे में हमें कुछ बताएं। दोस्तों, फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं स्टॉक मार्केट में ज़्यादा काम नहीं करता, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट का फंड है, चाहे वो रियल एस्टेट मार्केट हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे कुछ और हो, तकरीबन सभी का सेम चलता है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है। सो सबसे जो चीज जरूरी चीज है जो हमने नोट करना है, यदि हमने रियल एस्टेट की बात करें, जो मैं अपने तौर पर बात करता हूँ, तो उसमें मैंने तीन बेसिक चीज बताई है। नंबर वन, कैलकुलेशन। नंबर दो, कंपैरिजन ऑफ रेट्स। नंबर तीन पे बताया मैंने मैनिपुलेशन। ठीक है जी, ये मैं तीन चीजें ये बताई इसमें रियल एस्टेट। अब स्टॉक मार्केट ही यदि हम बात करें, स्टॉक मार्केट में एक किताब है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, उसको किताब को स्टॉक मार्केट की बाइबल माना जाता है, और उसके जो राइटर हैं वो हैं बेंजामिन ग्राहम साहब। वॉरेन बफेट जो सबसे बड़ा नाम है, उनके उस्ताद हैं। उन्होंने ये किताब पढ़ के, बेंजामिन ग्राहम की किताब पढ़ के, दी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जो किताब है वो पढ़ के उन्होंने वहां से पैसा कमाया। वो अपनी इंटरव्यूज में ज्यादातर कहते थे, बेंजामिन ग्राहम साहब ने जो अपनी किताब में लिखा है, तीन बेसिक चीजें उन्होंने बताई है, वो सबसे पहले कहते हैं जी, नंबर वन, एनालिसिस करो। नंबर दो, सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल नंबर तीन, आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये तीन बेसिक फार्मूले उन्होंने बताए। मतलब जब आप स्टॉक मार्केट में कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हो, तो कहते हैं प्रॉपर एनालिसिस, विश्लेषण करना उसका बहुत जरूरी है कि ये जो शेयर है मार्केट का, ये कैसे आ रहा है, नीचे रेट क्यों है इसका, और कल को इसके आगे बढ़ने के चांसेस क्या है, इस कंपनी की जो है रेपुटेशन क्या है, इसने पहले क्या किया है। यदि हम पहले ही बहुत ज्यादा रेट, बड़ा हुआ रेट ले लेंगे, तो उसमें कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि मैं रियल एस्टेट में अपने हमेशा कहता हूं कि कम रेट की प्रॉपर्टी है जो हमेशा बढ़ जाती है, काफी हद तक उसके चांसेस होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इसी तरीके से आपने भी एनालिसिस में हर चीज देखनी है कि रेट क्या है इसका, आज किस रेट में, कल को यदि आने वाला टाइम है उसमें इसके ग्रो करने के चांसेस कितने हैं, कहां तक जा सकता है, क्या कहीं नुकसान तो नहीं कर सकता, क्या इस जो ये जिस पार्टी का शेयर है, जिस कंपनी का ये शेयर है, क्या उसकी कोई नेगेटिव एक्टिविटी नोट तो नहीं हुई कभी जिंदगी में। यदि आप इस तरीके का प्रॉपर विश्लेषण कर लेंगे, तो आपको डेफिनेटली आपकी इन्वेस्टमेंट है जो सेफ हो जाएगी। और जो आदमी स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो वो वहां से आप बात कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो। मैं हमेशा कहता हूं कि प्रॉपर्टी उस आदमी से लेनी चाहिए जो प्रॉपर्टी का जानकार हो, जो आपका जानकार है उससे लो या ना हो। इसी तरीके से यदि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो स्टॉक मार्केट का जानकार जो आदमी है उससे आप सलाह ले सकते हो। नंबर दो पर मैंने कहा सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल, मैंने नहीं कहा, उन्होंने बेंजामिन ग्राहम साहब ने कहते हैं सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल। जहां आपका पैसा लग रहा है, क्या वो पैसा सेफ रह सकता है, उसके उससे नीचे तो नहीं आ सकता। यदि उससे नीचे नहीं आ सकता तो ठीक है, बाकी जो कमाई है वो बाद की बात है, कमाई कितनी हो सकती है, इसमें कितना बढ़ सकता है, कहां तक जा सकता है, ये मुकद्दर की बात भी हो सकती है या आने वाले टाइम की बात भी हो सकती है। लेकिन ये बात के पर आपने श्योरिटी करनी है कि आपका जो प्रिंसिपल है, जो मूल है, आपका मूलधन है, वो नीचे नहीं जाना चाहिए, उसमें नुकसान नहीं होना चाहिए। तीसरे नंबर पर उन्होंने कहा आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने ये देखना तीसरे नंबर पर भी, उस पर जो आपने स्टॉक मार्केट में जहां शेयर अप्लाई किए हैं, शेयर लिए हैं, क्या उसकी रिटर्न जो है कहीं बैंक से नीचे तो नहीं जा रही,
बैंक ब्याज से भी नीचे तो नहीं जा रही, कहीं नुकसान करने वाला जो वो तो नहीं है। यदि बैंक से भी नहीं, बैंक वाली उसको नहीं मिलती, आपको रिटर्न नहीं मिलती, तो फिर पैसा बैंक में रखने का फायदा। यदि आप उसकी प्रॉपर तरीके से स्टडी कर लेंगे, प्रॉपर एनालिसिस कर लेंगे, तो डेफिनेटली आप इसमें गेन कर सकते हो। सो ये स्टॉक मार्केट का फॉर्मूला इतना ही आपने याद रखना है कि बेंजामिन ग्राहम की किताब है जो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, उसको पढ़ लो, उसको आप देख लो। जो आदमी स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके साथ बात करो, उनसे सीखने की कोशिश करो। जो स्टॉक मार्केट की क्लासेस लगती हैं वो आप ले सकते हो। हम भी रियल सेट की क्लासेस देते हैं। जो हमारा हमारे साथ आके रियल सेट में ट्रेनिंग ले रहा बंदा, वो हमेशा बहुत आगे बढ़ रहा है। ये हमारा पिछले हिस्ट्री बता रही है कि जो लोग हमारे पास ट्रेनिंग में आए वो काफ़ी आगे चले गए, काफ़ी आगे बढ़ गए अपने बिजनेस में। सो इसी तरीके से कोई भी काम जब भी करना है, मैं कहता हूँ सीख के काम करना है। लर्न बिफोर यू गो टू अर्न, अंदाजे में अंधेरे में तीर नहीं छोड़ना। लर्न बिफोर यू गो टू अर्न, मैंने प्रॉपर्टी कारोबार से खुशहाली किताब में 14 पेज का एक चैप्टर भी दिया है। सो यही फार्मूला यहाँ भी आता है। मेरी किताब प्रॉपर्टी कारोबार से खुशहाली है कि उसमें मैंने फार्मूले दिए हैं, तो इसमें बेंजामिन ग्राहम ने अपनी किताब जिसका इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जिसका नाम है उसमें दिए। तो वॉरेन बफेट साहब ने पढ़ के इस किताब को पढ़ के जिंदगी में बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। वो बार बार अपने इंटरव्यू में बोलते हैं, अपने इनको बेंजामिन ग्राहम को अपना उस्ताद मानते हैं। सो आपने भी यदि वॉरेन बफेट की तरह किसी बंदे को उस्ताद बना लिया तो आप भी इसी तरीके से इसमें कामयाब होते चले जाओगे। पैसा कमाओ, पैसा जितना भी कमा सकते हो कमाना चाहिए। पैसे को तरीके से कमा के उसको काम पर लगाओ। काम पर लगाने के लिए वही मैं हमेशा कहता हूं M3 का फार्मूला आप याद रखना है। ये M3 का मतलब मनी मेकिंग, मनी मैनेजिंग, मनी मल्टीप्लाइंग। यदि आप इस फार्मूले को याद रख लोगे और ये बातों का ध्यान रख लोगे, ये जो छह फार्मूले सिर्फ 3 मैंने दिए, 3 उन्होंने दिए, इसका ध्यान रख लोगे तो आपके नुकसान होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। ग्रोथ आपके बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। सो हमने खेलना कहा है जहां हमें बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाए। सो दोस्तों आज के लिए इतने। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और इसके ऊपर चर्चा भी करना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या आप पहली बार चैनल देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दो। कोई आपका सवाल हो, नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए जिस तरीके से इन सज्जन ने डिमांड की है, आप भी कमेंट बॉक्स में जाके अपनी डिमांड लिख सकते हो कि इस टॉपिक पर हमें वीडियो चाहिए। सो दोस्तों बहुत जल्द आपके साथ नए टॉपिक लेके हाजिर होऊंगा। मैं हूं आपका दोस्त राजवंत सिंह मोहाली। थैंक यू वेरी मच। आप देखते रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। पढ़ेंगे हम तभी तो बढ़ेंगे हम। थैंक यू वेरी मच।